दोस्तों बारिश का सीजन पूरे पीक पे है और पूरे साल भाई बादलों ने डायपर्स पहन के गुजार दिया, लेकिन अब रहा नहीं जा रहा, कभी भी वो लोड अनलोड हो सकता है। उस अनवांटेड सावर से आप बावराना हो जाओ, उसके लिए चाहिए आपको एक अमेजिंग छाता। और इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं 10 ऐसी अमेजिंग छाते जो आपको उस अनवांटेड सावर से बचाएंगे। ऑलराइट, पहला छाता आ गया हमारे पास में। लिटरली भाई इतनी बड़ी पैकेजिंग है ना, पूरी स्क्रीन में फिक्स हो जा रही है। ऑलराइट एक्चुअली मैं पैकेजिंग की तारीफ करना चाहूंगा, बहुत हार्ड कार्डबोर्ड इसमें दिया हुआ है। वैसे अगर आप छाते को देखोगे तो आपको एक कवर दिखेगा, साथ ही हैंग करने के लिए ना एक स्ट्रैप यहाँ पर डिजाइन किया गया है। तो अगर आपको छाते को ऐसे कैरी वैरी करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन देखने से ना ऐसा लगता है कि आपने धनुष तान रखी है। प्रॉपर बड़ा सा हैंडल आपको देखने को मिलेगा, बीच में अच्छा खासा स्मूथ ग्रिप देखने को मिलता है और नीचे ऊपर की तरफ ना थोड़ी थोड़ी क्रोम टाइप की फिनिशिंग दी गई है, क्योंकि इसे एक लग्जरी लुक देती है। वही अगर इस हैंडल के बॉटम में देखोगे ना तो एक्चुअल भाई पूरा रोल्स रॉयस जैसा ना इसका लुक को डिजाइन किया गया है, एंड काफी हद तक ना भाई प्रीमियम लगता है इसका हैंडल, क्योंकि देखो किसी भी अम्ब्रेला की जो प्रीमियमनेस है ना एक्चुअल में उसके हैंडल से ही दिखती है। छाते को क्लोज करने के लिए आपको एक छोटा सा वेलक्रो मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है इस बटन को दबाना है और ये छाता पूरा खुलेगा। पता नहीं ये स्टूडियो में फिट होगा कि नहीं, डर लग रहा भाई। एक्चुअल में ना भाई बहुत बड़ा छाता है, दो लोग तो आराम से आ जाएंगे। अगर इसके रॉड को भी अगर क्लोजली देखोगे ना तो इसमें भी ना स्नेक स्किन जैसा ना पैटर्न बनाया गया है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। साथ ही अंदर की तरफ भी ना आपको पूरा ब्लैक ब्लैक मिलता है, बाहर की तरफ भी hey, I'm here, पूरा ब्लैक ब्लैक आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीजें जो आपको जानी चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में जो मेन रॉड्स है ना वो आपको पूरे स्टेनलेस स्टील के देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सारे जो भी आप देख रहे हो ना, ये और ये वाले सारे, ये सारा हार्ड प्लास्टिक है। छाते को क्लोज करने के लिए भी ना एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको एक ग्रिप दी गई है, जिसको आप आराम से पकड़ सकते हो और प्रॉपर अपने छाते को क्लोज कर सकते हो। अगर आपको एक सिंपल क्लासी थोड़ा सा रॉयल लुक वाला छाता चाहिए ना, आराम से इसके लिए जा सकते हो, क्वालिटी तगड़ी है, मस्त चीज है। एक छाता हमारे पास में ये भी एकदम सिमिलर डिजाइनिंग के साथ आता है। फ्रंट में आपको एक कवर देखने को मिल जाएगा, जिसमें वही हैंगिंग जुगाड़ आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में इसमें ब्रांडिंग की गई है एनिचो की, एनिचो एनिको पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, फटाफट निकालते हैं। वैसे अगर छाते को देखोगे ना एक और खूबसूरत कलर, वैसे लोग ये सोच रहे ना कि वही सेम छाता है बस कलर अलग है, तो ऐसा नहीं है। हालांकि इस छाते में भी आपको सेम वही हैंडल देखने को मिलेगा, प्रीमियम ग्रिप, अच्छी खासी बड़ी हैंडल, क्रोम का थोड़ा काम मिलेगा और इसमें थैंक गॉड नीचे में रोल्स रॉयस का लोगो नहीं बल्कि ए लिखा गया है, क्योंकि मेरे नाम का इनिशियल है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये देखकर। इसमें भी आपको वेलक्रो टेप देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। फटाफट निकालते हैं और बटन को दबाते हैं। इस वाले छाते का साइज भी भाई बहुत ज्यादा बड़ा है एंड प्रीमियम है, सेम वही क्वालिटी है। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या पता है इस छाते की, इस छाते के साइड साइड में आप जितना भी ग्रे कलर का पैच देख रहे हो ना, या एक बॉर्डर वाली जो डिजाइन देख रहे हो ना ग्रे कलर की, ये सारा रिफ्लेक्टिव मटेरियल है। यानी रात को अगर आप इस छाते को लेकर जाओगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि लोग आपको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि दूर से ही आपका छाता एक खतरनाक रिंग की तरह जलेगा और भाई तगड़ा लगता है देखने में। फैब्रिक की क्वालिटी इसमें बहुत जबरदस्त है, बीच वाले रोड में इसमें भी आपको स्नेक पैटर्न देखने को मिल जाएंगे, एंड ओवरऑल भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग छाता है। बाकी सारे रोड्स के एंड में आपको ऐसे प्लास्टिक के कवर्स देखने को मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आपके हाथों में चुभेगा, चारों तरफ आपको प्रीमियमनेस फील होगा। हालांकि इसमें भी वही सारी चीजें ना हार्ड प्लास्टिक की बनाई गई है और इसे भी क्लोज करने में बहुत आसानी होती है, डेफिनेटली जाना चाहो जा सकते हो। लेकिन अगर अब तक आपको ये सारे छाते बहुत ही कॉमन लग रहे हैं, जस्ट लुक एट दिस बनाना छाता, नहीं कर रहा, इसका जो शेप है एक्चुअल में भाई बनाने की तरह है और ब्रांड से पर्सनली भी बोलती है भाई अम बनाना नॉट अम्ब्रेला। इसके बीच में ऐसे कपड़े क्यों निकले हुए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। बेसिकली आपको एक प्लास्टिक का बनाना देखने को मिलता है, इसके अगर फ्रंट कैप को खोलोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा अम्ब्रेला नॉट अम बनाना। प्लास्टिक की क्वालिटी एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छी है, बनाना के नीचे वाले पार्ट को ना एज ए हैंडल यूज किया जाता है और इसके नीचे आपको एक हैंगर देखने को मिल जाएगा। आपको बस वेलक्रो टेप को खोलना है, छाते को निकालना है और ऐसे करके फैला लेना है, सा क्यूट सा पोर्टेबल बनाना अम्ब्रेला बनाना। ऊपर में भी आपको इसका पूरा मटेरियल इसके थीम से मैच करते हुए येलो देखने को मिल जाएगा, छोटी सी ऊपर में फ्लावर देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल थीम की क्वालिटी ना बहुत ज्यादा अच्छी है, चारों तरफ आपको मेटल का काम देखने को मिल जाएगा, बीच में आपको एक बटन मिलता है जिसको दबाना है और वापस आप इस छाते को क्लोज कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इन छातों में, जिस तरह से कंपनी पैकेजिंग करके भेजती है ना, वापस से आप कभी भी उस तरह से ना इसे पैक नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत ज्यादा बुरी बात है एक प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं समय को बचाने के लिए। अगर आपके बच्चे
बच्चों को ऐसी चीजें पसंद है तो आप उसे दे सकते हो, क्योंकि एक किड्स अम्ब्रेला है, लेकिन ओवरऑल इसकी जो फंक्शनैलिटी है ना, अगर पोर्टेबिलिटी की बात करें तो ये है इस वीडियो का सबसे पोर्टेबल छाता। जस्ट लुक एट दिस साइज ब्रो। प्लास्टिक की आपको कवर देखने को मिल जाएगी, ऊपर में आपको अम्ब्रेला के लिए भी एक कवर दिया गया है जिसके ऊपर आपको कोई ब्रांडिंग व्रांडिंग नहीं मिलती। छोटू सा आपको प्रीमियम हैंडल देखने को मिलता है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, स्मूथ है। ऊपर में आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा जिससे दिखा रहा है कि ये ऊपर भी खुलता है नीचे भी आता है। नीचे हैंग करने का आपको जुगाड़ देखने को मिल जाएगा। बस इसमें भी क्या करना है, जैसे सारे छातों में होता है, वेलक्रो खोलो, थोड़ा सा हिलाओ, बटन दबाओ और मस्त छाता तैयार है आपके लिए। छाता पूरा ब्लैक कलर का है, फैब्रिक की क्वालिटी डिसेंट है, अच्छी है। नीचे की तरफ में आपको प्रॉपर इसके स्प्रिंग्स और मैकेनिज्म देखने को मिल जाएंगे जिसकी क्वालिटी सच में अच्छी इसमें दी गई है। वैसे अगर छाते की साइजिंग की बात करें तो इसमें बस एक ही इंसान फिट हो पाएगा। ओवरऑल क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, रॉड की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, एंड ओवरऑल एक बहुत अच्छा छाता है। आपको बस इस बटन को दबाना है, ये छाता ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। उसके बाद पूरे छाते को पकड़ना है और यूं करके ठेल देना है, जो कि वर्क नहीं किया, इस बार वर्क किया। ओवरऑल अगर आपको एक ऐसा छाता चाहिए जो पोर्टेबल हो, अच्छी क्वालिटी का हो और सिंगल यूज के लिए हो, ज्यादा जगह ना घेरे, तो डेफिनेटली इस छाते के लिए जा सकते हो। सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर उस पोर्टेबल छाते को देखकर आपका दिल खुश हो गया तो इस वाले को देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सिंपल से आपको कार्डबोर्ड की पैकेजिंग देखने को मिलेगी, एक मस्त सा कवर देखने को मिलेगा जिसके अंदर है हमारा प्यारा सा छाता, वेलक्रो के थ्रू इसे पैक किया गया। थोड़ा सा हिलाओ, बटन दबाओ और फटाक से ये छाता खुल जाता है। रॉड वॉड की इसमें भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, हैंडल का ग्रिप बहुत ज्यादा अच्छा है। बीच में आपको बटन देखने को मिल जाएगी जो कि इंडिकेट करते हैं कि इस बटन को दबा के आप खोल तो सकते हो, लेकिन बटन दबाने पर ये छाता बंद भी हो जाता है। हैंडल की साइज भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन तगड़ी बात क्या है ना कि इस छाते में एक इनबिल्ट लाइट फिट किया गया है। अगर आप इस छाते के नीचे देखोगे ना तो वो टॉर्च आपको दिखेगा। अब आप बोलोगे भाई छाते में फ्लैश लाइट डालने का क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली जब भी हम छाते को लेकर रात में चलते हैं, हमेशा हमें विजिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, कई बार लाइट कट जाती है और हमें पता नहीं होता कि नीचे क्या है क्या नहीं है, उस वक्त ये फ्लैश लाइट बहुत ज्यादा काम आएगी। फ्लैश लाइट को जलाने के लिए बस आपको फ्लैश लाइट को ही कस के प्रेस करना है और ये लाइट जल जाती है। और तगड़ी बात क्या है कि आप इस लाइट की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो, बस आपको इसको ट्विस्ट करना है और ये आगे की तरफ ना ऐसे करके थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसे जब आप चलोगे ये लाइट आगे की तरफ थ्रो करेगा, ना कि आपके पैरों की तरफ। अंदर के अंदर पूरे मैकेनिज्म की क्वालिटी की भी बात करें ना, बहुत अच्छी क्वालिटी इसमें डाली गई है। चारों तरफ आपको मेटल देखने को मिलेगा और ये जो दो दो येलो कलर की स्ट्रिप्स देख रहे हो ना आप चारों तरफ, एक तो इसे खूबसूरत लुक भी दे रही है, साथ ही इसमें भाई तगड़ा स्ट्रेंथ भी ऐड करती है। साइजिंग भी एकदम नॉर्मल है, एक पर्सन के लिए बनाया गया है। क्लोज करना मैंने आपको बता दिया, बस बटन दबाना है, क्लोज होगा, पकड़ना है, अंदर घुसेड़ देना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमने मोस्ट पोर्टेबल छाता देखा, छाते में फ्लैश लाइट देखा और केला वाला छाता देखा। अगर आपका दिमाग अभी भी प्रोसेस कर रहा है तो ये देखो, बॉटल वाला छाता देखा। बोतल चढ़ने के बाद सब ऐसी हिलता है। कार्डबोर्ड की आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी और ऊपर में लिखा हुआ है डेको अम्ब्रेला। थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। बेसिकली करना क्या होता है, इसे प्लास्टिक से निकालते हैं। डब्बे के अंदर जो आपको एक मिलेगा डब्बा, वो एक्चुअल डब्बा था, एक बोतल के शेप का है जिसके बीच में 0% अल्कोहलिटी ऐसा करके लिखा हुआ है, फैशन अम्ब्रेला लिखा हुआ है और बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। पूरे ढक्कन को पकड़ो, घुमाओ, निकालो और ये एक्चुअल में निकलेगा अंदर से एक छाता। यस, इसकी क्वालिटी सुनने वाली है। सेम कॉन्सेप्ट है, आपको वेलक्रो टेप खोलना है, थोड़ा सा हिलाना है, निकालना है और ये छाता ऐसा कटोरा शेप का बन जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस छाते को ना अपसाइड डाउन जैसा डिजाइन किया गया है, इसमें ये जो एंड वाला पार्ट होता है ना छाते का, वो उल्टी तरफ मुड़ता है और इसके कारण आप जितनी बार इसे खोलने की कोशिश करोगे ना, ये हमेशा ओपोजिट डायरेक्शन की तरफ चल जाता है और एक कटोरे का शेप ले लेता है। इसकी क्वालिटी बिल्कुल घटिया है और मेरे पैसे बर्बाद हो चुके हैं, इसके लिए मत जाना। लेकिन अगर आप किसी छाते के लिए बेझिझक जा सकते हो तो वो है ये छाता। लुक एट दिस, बहुत ही सिंपल हैंडल की डिजाइनिंग आपको देखने को मिलती है जो कि हार्ड प्लास्टिक से बनी हुई है, ब्लैक कलर की है। ऊपर में आपको इसका टॉप देखने को मिल जाएगा प्लास्टिक का, जो कि अमेजिंग है और साथ ही कभी कभी ना स्टैंड लेने में भी काम आता है, ऐसा कमर उमर थक जाए बुढ़वा जैसा। लेकिन मस्त बात क्या है ना भाई, रैप करने के लिए इसमें आपको टिप टॉप बटन देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये मस्त बात नहीं है, नीचे में छाते को ओपन करने के लिए एक बटन आपको देखने को मिल जाता है, ये भी मस्त बात नहीं है। जब इस छाते को आप खोलोगे, ये पूरा एक ट्रांसपेरेंट लुई विटों का छाता है। चारों तरफ आपको लुई विटों के आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे, एलवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, प्रॉपर लुई विटों लिखा हुआ है और मैंने चेक किया, स्पेलिंग गलत नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लुई विटों वाला छाता पसंद है ना, या ऐसा ट्रांसपेरेंट वाला छाता पसंद है, आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। कमाल की चीज है, सारे हिंज विंज की क्वालिटी में मेटल यूज किया गया है, तो डेफिनेटली जल्दी खराब नहीं होगा। साइजिंग भी इस छाते की ना एक अच्छी रखी गई है और इस छाते के साथ ना आपको ऐसा बंद जैसा फील नहीं होगा, क्योंकि आप प्रॉपर आपकी विजिबिलिटी ना कंटिन्यू रहती है ऐसे।
हाय, इसके रॉड की क्वालिटी बहुत ज्यादा सिंपल है। बंद करने के लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर ग्रिप देखने को मिलता है, तो आप आराम से इसे क्लोज कर सकते हो। प्लास्टिक के एंड पे भी ना आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर देखने को मिलता है, तो एक अच्छे छाते की तरह ना इसे डिजाइन किया गया है। आपको अगर पसंद है डेफिनेटली जाओ। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑलराइट, सो आपको याद है केला वाला छाता जो कि उल्टी तरफ खुलता है और कितना बुरा था? ये सेम कॉन्सेप्ट के साथ आता है, लेकिन इसमें वैसी प्रॉब्लम्स नहीं है। ऑलराइट, सो अगर इस छाते की बात करें, यहाँ पर आपको बड़ी स्ट्रेंज सा हैंडल देखने को मिलेगा। इसका क्या कॉन्सेप्ट है उस पर बाद में आते हैं, लेकिन इसकी जो टच एंड फील है ना वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। ब्लू कलर का पूरा आपको छाता देखने को मिल जाएगा, ऊपर से छाते में छेद आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अपसाइड डाउन छाता है, यानी ये वाली चीज हमेशा नीचे रहती थी लेकिन ये अब ऊपर में है। क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, वो सारी चीजें देखेंगे, लेकिन पहले छाते को खोल लेते हैं। वेलक्रो टेप हटाया, यहाँ पर आपको रेड कलर का बटन देखने को मिल जाता है, तो बटन को दबाते साथ कुछ नहीं हो रहा है, शायद खींच के खोलना हो। देख लो भाई, उल्टा खोल रहा है ना, देख लो। ओ, 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 अभी भी उल्टा ही है भाई। एंड में जाके एकदम सीधा हो गया दोस्त। ऑलराइट, छाते की अगर डिजाइनिंग की बात करें ना भाई, बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। और बेसिकली ये जितने भी छेद है ना, वो छेद एक्चुअल छेद है, लेकिन ये जो छाता है ना वो डुअल लेयर से बना हुआ है। यानी ऊपर की तरफ आपको एक ब्लैक लेयर देखने को मिलेगा, अंदर की तरफ आपको ब्लू लेयर मिलता है, जिसमें वो छेद मैंने दिखाया आपको। प्रीमियम लग रहा भाई, सारे रॉड की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। और एक्चुअली ना यहाँ पर आपको कोई भी ना मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता है, तो बड़ा ही ना क्लीन सा लुक आता है। बाकी बाहर से तो ये पूरा काला ही है, अंदर से ब्लू है, मस्त लग रहा है यार। एक्चुअल बैकग्राउंड मेरा गजब लग रहा है। अगर इसके सीजे से हैंडल पाए, तो इसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप अपने छाते को ना टांगने पे या पकड़ने पे ना मजबूर ना हो। इसको बस अपने फोरआर्म से ऐसे करके लोड देना है, बाकी आप आराम से अपना मोबाइल चला सकते हो, मूवी देख सकते हो, या किसी से बात कर सकते हो हैंड जेस्चर्स के थ्रू। और आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका छाता आपको धूप से या पानी से बचाएगा, और आप डांस भी कर पाओगे। बंद करने के लिए आपको बस बटन दबाना है और ये छाता ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। एंड एक्चुअल में ना भाई, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, जा सकते हो। ऑलराइट, एक शॉट आ गया हमारे पास में, फटाफट इसे निकालते हैं। और इसमें भी आपको एक कवर देखने को मिल जाएगा। ओह, इसमें आपको टैग मिलता है भाई, ब्रांड का नाम है डेस्टिनो, लिव ट्रैवल एक्सप्लोर। फर्स्ट लुक की बात करें तो ये भी पूरा ब्लैक कलर का छाता है, नीचे में आपको हैंडल मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, स्मूथ सर्फेस आपको देखने को मिलेगा, एक प्लास्टिक देखने को मिल जाता है जो कि ऐसे टांगने वांगने के काम आएगा। सिल्वर कलर की ना थोड़ी सी यहाँ पर ना फिनिशिंग दी गई है जो कि मस्त लग रही है, हैंडल को एक नया सा लुक दे रही है। फ्रोजन पे भी आपको डेस्टिनो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बस वेलक्रो टेप को खोलना है, बस यही सेम बटन को दबाना है और आपका चकाचक छाता रेडी हो जाएगा। मस्त लग रहा है, अंदर में सारे मैकेनिज्म की क्वालिटी अच्छी है, सब में मेटल यूज हुआ है, रॉड की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। हालांकि एक चीज मुझे यूनिक क्या लगी कि इसके जो फैब्रिक को ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, मतलब अगर मैं ऐसे देखूं तो ये लाइट मेरे को यहां से दिखती है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दूसरे छाते में ऐसा नहीं होता है। बस आपको क्लोज करने के लिए वापस से बटन को दबाना है, ये क्लोज होगा, पकड़ना है, ठेल के अंदर कर देना है और टाइट कर लेना है, दैट्स इट। जाना चाहो डेफिनेटली जा सकते हो। इससे पहले हमने आपको दिखाया था मोस्ट पोर्टेबल छाता, लेकिन ये टाइनी है। मेरा फोन गिर गया, बच गया। लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे भाई, इस छोटे से डब्बे के अंदर एक पूरा छाता है। फटाफट से निकालते हैं और अंदर में आपको दिखेगी भैंसिया की एक कैप्सूल। इस घटिया मजाक के लिए मैं माफी चाहूंगा, ये एक्चुअल में एक छाता है जिसको एक कैप्सूल जैसा डिजाइन दिया गया है। इसमें भी क्या करना है, आपको बस ऐसे करके राउंड करके खोलना है, अंदर से निकलेगा आपका एक छोटू सा क्यूट सा छाता। बस आपको इसमें भी वेलक्रो टेप खोलना है। कलर इसका मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, हैंडल को तो देखो भाई, एक ना आलू की तरह इसका हैंडल को डिजाइन किया गया है, मस्त चिकना चिकना। और इसको ऐसे करके खोल लेना है, ए टडा। बेसिकली ये भी एक बच्चों का छाता है, लेकिन बहुत ज्यादा कूल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको देना बच्चों को तो आराम से दे सकते हो, हालांकि इसमें भी ग्रिपनेस की प्रॉब्लम है। यहां से पकड़ू ना अगर प्रॉपर, तो देखो कितना स्पेस यहां पर जा रहा है, तो ग्रिपनेस के मामले में थोड़ा सा कमजोर है, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज ना बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा। और इसको घुसाने में, वापस से रिपैक करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। और ऐसे अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स है अम्ब्रेला को मैं इसलिए दिखा रहा हूं ना, क्योंकि आपके दिमाग में भी आता होगा जब आप अमेज़न या दूसरी साइट्स पे ऐसे अम्ब्रेलास खोजने जाते होगे, वो साइट्स आपको ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट करते होंगे, आपके दिमाग में आता होगा भाई क्या है, क्या चीज नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो के थ्रू आपको पता लग जाएगा। एंड भाई बारिश का मजा लो, और वीडियो अच्छा लगा है लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश बू।